हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड एनालॉजी के इस थर्ड पार्ट में, थर्ड क्लास में आप सबका स्वागत है। वर्ड एनालॉजी लॉजिकल रीजनिंग का ही एक टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलम्पियाड्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए हम आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें हमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे 51 है, बाकी के प्रीवियस क्लासेस में कवर हो चुके हैं 50 क्वेश्चंस। आगे के ये क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो जैसे ये पेयर ऑफ वर्ड यहाँ पर हमें दिया हुआ है, टिमिड आस, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करना है और सिमिलर रिलेशनशिप हमें बताना है। हमें एक वर्ड यहाँ से ऑप्शन से चूज करना है और वो वर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में जो रिलेटेड वर्ड्स दिए हुए हैं वो सिमिलर रिलेशनशिप हम जो पेयर बनाएंगे उसमें भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, होप ये सब आप सबको याद है। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास, अगर आपने की है वर्ड एनालॉजी की, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्या रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है इन दो वर्ड्स के बीच में, क्यास कैसा एनिमल है, एक टिमिड एनिमल है, डरपोक एनिमल है। तो कनिंग जो क्वालिटी है वो किस एनिमल के अंदर होती है, वो फॉक्स के अंदर होती है। फॉक्स को हम एक कनिंग एनिमल के रूप में जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, फॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेसी ग्लूम, देन वॉट विल बी द आंसर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेयर है ये हमें नजर आ रहा है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स हैं। ठीक है, एक्सटेसी परम सुख, ग्लूम परम दुख हो गया, तो ऑपोजिट हो गए। ऐसा ही ऑपोजिट पेयर हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑपोजिट पेयर कौन सा हो जाएगा। जैसे फर्स्ट देख लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ओकेजन, ये एंटोनिम पेयर नहीं है। किसी कोई ओकेजन होता है, स्पेशल ओकेजन होता है, तो उस पर हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बट ये ऑपोजिट वर्ड्स नहीं है। डिलीजेंट सक्सेसफुल, जो डिलीजेंट होगा उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बट ऑपोजिट ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। मेजर स्केल, स्केल इज यूज टू मेजर समथिंग, तो ये भी आंसर नहीं है। ये रिलेशन ऑपोजिट पेयर्स का नहीं है, ये पेयर जो है ऑपोजिट वर्ड्स का नहीं है। ह्यूमिलेशन एग्जॉल्टेशन, ये है ऑपोजिट पेयर। किसी का अपमान सम्मान, तो ये ऑपोजिट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ह्यूमिलेशन एग्जॉल्टेशन। नेक्स्ट है कंट्री प्रेसिडेंट, देन व्हाट विल कम विद स्टेट। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, जैसे हमारी कंट्री में हाईएस्ट पोस्ट किसकी होती है, हाईएस्ट पद प्रेसिडेंट का माना जाता है, तो इसी तरह स्टेट में, राज्य में जो हाईएस्ट पोस्ट है वो किसकी होती है, वो गवर्नर की होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ब्लैक व्हाइट अप डाउन, ये तो हम देखते ही बता सकते हैं, ब्लैक व्हाइट ऑपोजिट पेयर्स हैं, तो अप का ऑपोजिट क्या होगा, डाउन, आंसर डी। फिश स्केल्स बेयर व्हाट, तो हमें पता है फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो बेयर के ऊपर क्या होता है, बेयर की जो फिश की स्किन है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, तो बेयर की स्किन के ऊपर क्या होता है, फर होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फेदर्स तो बर्ड्स में होते हैं, लीव्स ट्री में होती हैं। ठीक है, स्किन के ऊपर जो चीज़ है वो हमें बतानी है, आउटर मोस्ट स्किन के ऊपर जो है वो फर होता है बेयर के ऊपर। नेक्स्ट, प्रोसेशन रूट अर्थ व्हाट। ठीक है, प्रोसेशन क्या होता है, जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल साथ मिलकर चलते हैं तो किसी रूट को फॉलो करते हुए जाते हैं, किसी रास्ते से निकलते हैं सब लोग एक साथ। जैसे कि आप मैरिज प्रोसेशन में देखते हैं, बारात निकलती है, वो भी एक तरह का प्रोसेशन है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेशन हो, किसी भी चीज का हो, वो एक रूट को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारी अर्थ है वो भी सन के
अराउंड जो रिवॉल्यूशन करती है एक रूट को फॉलो करती है, ठीक है। ये सन है, सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, तो ये एक रूट पे चल रही है और इस रूट को हम ऑर्बिट कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर क्रॉप्स, व्हाट विल बी द आंसर पेयर। तो आप जानते हैं क्रॉप्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, क्रॉप्स कहाँ पे लगती हैं, मिट्टी में लगती हैं, सॉयल में लगती हैं, और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं ताकि क्रॉप्स और ज़्यादा रिच क्रॉप्स हमें मिल सकें, ठीक है। तो मिट्टी का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, ताकि क्रॉप्स हमारी अच्छे से, हमारी पैदावार हो सके, अच्छी यील्ड हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन हमें और कहाँ देखने को मिल रहा है, टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन देता है, ठीक है। वाटर को प्यूरिफाई क्लोरीन से करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का काम नहीं है, हमें नरिशमेंट देना है, अपनी क्रॉप्स को नरिशमेंट देना है। तो नरिशमेंट वाला रिलेशन हमें देखना है। जैसे टॉनिक से बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, बॉडी नरिश होती है, तो ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। पेस्टिसाइड रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल रेट्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, टॉनिक बॉडी ठीक लग रहा है, जैसे हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है टॉनिक से, क्रॉप्स को नरिशमेंट मिलता है फर्टिलाइजर से। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेविटी पुल मैग्नेटिज्म व्हाट। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी किसे कहते हैं? जो अर्थ अपनी तरफ पुल करती है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको अर्थ अपनी ओर पुल करती है, ठीक है। तो उस फोर्स को, उस पुलिंग फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो इसी तरह जो मैग्नेट होती हैं, मैग्नेट भी, जो भी आयरन वाली चीज़ें होती हैं या दूसरी मैग्नेट्स होती हैं, मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स होते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक तरह का पुल है, मैग्नेटिज्म एक तरह का अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिज्म अर्थ नहीं है, मैग्नेटिज्म गोल्ड नहीं है, मैग्नेटिज्म इज अट्रैक्ट, अट्रैक्शन फोर्स। लाइक ग्रेविटी इज पुलिंग फोर्स, मैग्नेटिज्म इज अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिज्म वेट भी नहीं है, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन मार्क फर्स्ट पेयर में आ रहा है, तो हम रिलेशन सेकेंड वाले पेयर में देखेंगे, रिस्ट एल्बो। तो जो आपका हैंड होता है, ठीक है, हैंड का जो आउटर, मतलब कि जो ये एल्बो है आपकी, और नेक्स्ट बोन एल्बो के आगे रिस्ट होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो आपका नी है, नी के नीचे जो नेक्स्ट आपकी बोन आती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, एंकल। एल्बो के बाद नेक्स्ट बोन आपको रिस्ट मिली, और नी के बाद नेक्स्ट बोन आपको क्या मिलती है, एंकल। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अप डाउन बैक, ये भी ऑपोजिट पेयर्स हो गए, सिंपल है। ऊपर नीचे, बैक फ्रंट, बैक, बैक का ऑपोजिट क्या होता है, फ्रंट। बैक पीछे, फ्रंट सामने, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट। अगेन इजी ऑपोजिट पेयर, डे नाइट, डस्क डॉन। डस्क मीन्स क्या होता है, डस्क होता है इवनिंग का जो समय है, सनसेट का समय, उसको डस्क बोलते हैं, और जो मॉर्निंग सनराइज का समय है, उसको, जब सूरज की पहली किरण आती है अर्थ पर, उसको डॉन बोलते हैं। नेक्स्ट, टेलीविजन टेलीकास्ट रेडियो व्हाट। टेलीविजन पर जो शोज आते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, उसको बोलते हैं टेलीकास्ट होना, शो टेलीकास्ट होते हैं, और रेडियो पे जो प्रोग्राम है उनको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट होना, रेडियो पर प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मोटर कार को, मोटर कार गैरेज एरोप्लेन व्हाट। मोटर कार को जहाँ पार्क किया जाता है उस जगह को हम बोलते हैं गैरेज, और एरोप्लेन को जहाँ पार्क किया जाता है उस प्लेस को हम बोलते हैं हैंगर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एयरपोर्ट और रनवे यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो पार्किंग की जगह है उसको हैंगर बोलते हैं। एयरपोर्ट तो कंप्लीट स्पेस हो गई जहाँ पर एरोप्लेन, जहाँ पर सारे एरोप्लेन जहाँ पर आते हैं और जाते हैं, वहाँ से टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, तो वहीं पर जो एक स्पेस है जहाँ पर स्पेशली हैंगर पार्क, वो एरोप्लेन पार्क किए जाते हैं, उसको हम हैंगर बोलते हैं।
रनवे तो वो स्पेस हो गई जहां से एरोप्लेन टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं, उस जगह को, उस रोड को कह लीजिए, उस स्पेस को हम रनवे कहते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड, फिश, एरोप्लेन, व्हाट? सो सिंपल है, बर्ड कहाँ फ्लाई करती है? स्काई में फ्लाई करती है, फिश पानी में होती है। तो सिमिलरली एरोप्लेन स्काई में फ्लाई करता है, और पानी में क्या चलता है? पानी में आपका क्या चलता है? शिप चलता है पानी में, ठीक है। एयर, एयर, कार, ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। एज बर्ड फ्लाइज इन द स्काई एंड फिश स्विम्स इन द वाटर, सो एज एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई एंड शिप स्विम्स ऑन द वाटर्स। नेक्स्ट, स्पेशियस कैपेसिटी, स्कैंटी, व्हाट? सो स्पेशियस कैपेसिटी, जहां पर स्पेस अच्छी होगी उस जगह की कैपेसिटी अच्छी होगी। तो ये लगभग हमारे सिनोनिमस पेयर हैं, स्पेशियस और कैपेसिटी सिनोनिमस पेयर हैं। सिमिलरली स्कैंटी जो है किसी कमी को, लैक को शो करता है, स्केयरसिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? सिनोनिमस पेयर हो गए, स्कैंटी एंड स्कार्सिटी। पॉसिबिलिटी, डेंसिटी, ये वर्ड्स नहीं है, स्कैंटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मोमीटर, टेम्परेचर। थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, सिमिलरली हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रेशर नहीं है, प्रेशर को, प्रेशर नहीं है, डेंसिटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। हाइग्रोमीटर इज फॉर ह्यूमिडिटी, यानी नमी कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। लॉक की, क्राइम, व्हाट? लाइक की इज यूज टू ओपन द लॉक, ठीक है। तो क्राइम, क्राइम है, कोई केस है, उसको ओपन करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे की यूज होती है लॉक के लिए, क्राइम के क्राइम को, किसी क्राइम, क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन का यूज करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन से क्रिमिनल केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिस्ट्री और क्राइम तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए, मिस्ट्री के लिए भी इन्वेस्टिगेशन का यूज होगा, ठीक है। क्राइम के लिए, क्राइम में क्रिमिनल इन्वॉल्व है, लेकिन क्रिमिनल तो नहीं बताएगा ना, क्राइम, क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए क्रिमिनल को तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्रिमिनल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे केस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कन्विक्शन भी इसमें रॉन्ग है, कन्विक्शन तो एंड में आएगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो चीज हमारी कन्विक्शन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। जिसे आरोप जो हमें, जिसको बोल देते हैं, वो चीज हमारी कन्विक्शन हो जाएगी। बट क्रिमिनल केस को जो सॉल्व किया जाएगा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज यूज टू सॉल्व अ क्राइम, एज की इज यूज टू ओपन द लॉक। नेक्स्ट, रेडियो लिसनर, फिल्म, व्हाट? जैसे रेडियो में जो प्रोग्राम्स आते हैं उन्हें कौन सुनता है? लिसनर सुनते हैं। फिल्म आती है तो उसको कौन देखता है? उसको ऑडियंस देखती है। फिल्म को देखने वाले लोग कौन होते हैं? ऑडियंस कहलाते हैं। रेडियो पे जो प्रोग्राम सुनते हैं उनको लिसनर बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में वर्ड एनालॉजी के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।